हे गाइस, वो सब दिस इज यूरा, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यू द राइडर एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा आज का व्लॉग एक मूवी व्लॉग होने वाला, मतलब फुल डे व्लॉग है। अभी हम लोग मूवी देखने जाएंगे एंड बाद में शाम को नवरात्रि है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गुजरात की जो नवरात्रि होती है वो काफ़ी फेमस होती है, तो आपको देखिए मज़ा आएगा उसमें बहुत ज़्यादा। सो नवरात्रि बहुत ज़बरदस्त होती है, सो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अभी तो अपने पब्लिक और एक मेम्बर जो है मूवी में अपने ऐड हुआ है, विनय प्रताप सिंह, वेलकम टू माय फैमिली मूवी व्लॉग क्या बोलते हैं ना। और आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, क्योंकि हम लोग देखने जाने वाले हैं विक्रम वेधा। मोस्ट 12 करोड़ तो कमाई है, लेकिन यार फेवरेट इज फेवरेट, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं एंड चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चलते हैं फटाफट लोकेशन। पे आ चुके हैं एंड अभी हम लोग को मतलब 9 बज गया है, लेट हो रहा है, सो 9 बजे का था। लेकिन प्रिंस और रौनक में इतना दिमाग नहीं, वो लोग बीच में पेट्रोल भरवाने रुक गए 1 किलोमीटर जस्ट, उसके बाद में मॉल है, तो कौन समझाए उन लोगों को भाई मूवी ज़रूरी है कि तेरा पेट्रोल पेट्रोल तो आने बाद में डला सकता है। तो मैं और मोन्टू यहाँ पर आ चुके हैं एंड वो लोग अभी आ रहे हैं, और फिर उसके बाद में चलते हैं फटाफट ऊपर और मूवी को बिना मिस किए हुए देखते हैं। इसकी एक और बात गाइस, आज मैंने उसको सुबह फ़ोन किया कि भाई 7:30 बज गया है, फटाफट आ जा और मूवी देखने चलना है, तो मेरे को क्या बोलता है पता है, तो भाई नहा के आना है, समझ रहे हो ना। फिर यार तुम लोग बोलोगे युवराज भाई हमेशा ऐसा बोलता रहता है। तो अभी तो पार्टी आ चुकी है और फटाफट इन लोग को गाड़ी पार्क करवा के चलते हैं। ज़रूरी था क्या? देव फेस देखो इस बंदे का, मतलब 1 किलोमीटर बाद में मॉल है, लेकिन ये बीच में पेट्रोल भरवा रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। ओ हीरो, चाबी नहीं निकाली थी क्या? अरे वाह, दिमागदार आदमी ये। लल यहाँ फटाफट लॉक करके आयो ना, चल फटाफट चलते हैं अंदर देखते हैं मूवी। देखते हो आप लोग, बिल्कुल पूरा मॉल खाली पड़ा है, पब्लिक खाली हो, मूवी के शो के लिए आई हुई है, वो भी ऊपर चली गई होगी, खाली हम लोग हैं, मैं सबसे लेट में चल रहे हैं, सब शॉप बंद है। और इन लोग का देव चल रहा है चड्डे का, टी शर्ट वाले उस टाइम हम लोग थे, तो तेरे सामने भी नहीं बोला था ना, मना पूछ इसको भी बोला था, शर्त लगी थी, बैट लगी थी, भाई प्रिंस चड्डा पहन के आएगा, नहीं खेलना मेरे को, रौनक 1000 रुपये देगा, मना बोला, पूछ इसको। फंक्शन है यहाँ पे भी नवरात्रि का, पास वगैरह हो चुका है, इंटरव्यू एंड थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, बाकी वो लोग तो उधर ही हैं सीट पे, हम लोग दोनों बाहर आए हैं, बाकी वो लोग अंदर ही हैं एंड एक दो फोटो क्लिक कर लिए है। सो अभी पीछे अपनी स्क्रीन है, वहाँ पे चलते हैं और रौनक मज़ा तो आ रहा है ना मूवी देखने में, एक नंबर। और फटाफट चलते हैं अंदर और वॉच करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने थोड़ा मिस कर दिया था। हम लोग ने मूवी देख ली है एंड अभी हम आ चुके हैं बाहर, और मूवी काफ़ी अच्छी थी, रीमेक किया हुआ है, लेकिन इसकी जो रीमेक जो फर्स्ट थी वो वाली देखी हुई नहीं थी, सो मज़ा आया। बाकी जिसने स्टोरी देखी रहती उसको थोड़ा कम मज़ा आता है, तो हम लोग ने तो किसी ने देखी नहीं थी, हमको तो अच्छा ही लगा। सब चल रहे हैं बाहर और देखते कुछ खाने का होता है या फिर घर पे चलते हैं, जो शाम को नवरात्रि है उसमें फिर थोड़ा बहुत काम भी है मेरे को, तो अभी तो यहाँ से चल रहे हैं। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम और मैं और रौनक आए हैं श्याम बाबा के मंदिर में, यहाँ से भी हम लोग एक जगह जाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं उसका मैं एक अलग पर्सनल व्लॉग बनाऊँगा, तो वो मैं इसमें नहीं दिखाऊँगा, फिर यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊँगा अपना जो गरबे का आउटफिट पहन के, तो चलेंगे उसमें, पूरा वाइट कलर का है। सो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और रात के बज चुका है कुछ 11, और अभी गरबा जस्ट नीचे स्टार्ट हुआ है एंड मैं बिल्कुल तैयार हूँ, रौनक बिल्कुल तैयार है, नीचे मोन्टू प्रिंस और पब्लिक भी आएगी, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे गुजराती जो गरबा होता है वो अलग अलग खेलाता है, दुनिया डांडिया और सैनेडो और काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो फटाफट चलते हैं नीचे। मैं आ चुका हूँ नीचे
अभी हम लोग को आए हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गई, क्योंकि आज सतमी था इसलिए पूजा चल रहा था। सो अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, भाई प्रिंस ग्रेस और अभी चल रहे हैं और फिर स्टार्ट करते हैं गरबा एंड एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में।